आपने विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोगों का नाम तो सुना ही होगा, जो देश के तमाम बैंकों को एक झटके में हजारों करोड़ का चूना लगाकर फरार हो गए, लेकिन आज तक हाथ नहीं आए, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ी हैं कि जिनके घर से लोन का पैसा चुकाने के लिए राशन तक उठा लिया जाए। ऐसा तो सिर्फ उनके साथ होता है जिनकी हालत पहले से ही खराब, और अगर उसमें भी लोन लेकर रखा हो तो फिर क्या ही बात, जबरिया घर से राशन तक उठा लिया जाता है। जी हाँ, आज हम आपको ऐसा ही एक मामला बताने जा रहे हैं। दरअसल मामला देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील के बैदा गांव का है, जहां के रहने वाले दुर्गा पासवान, जिनके चार बेटे हैं और सभी अपने परिवार के साथ अलग अलग रहते हैं और वो अकेले मजदूरी कर खुद का जीवन यापन करते हैं। उन दुर्गा पासवान का कहना है कि उनकी बहू अर्चना ने 6 महीने पहले किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 45,000 रुपए का लोन लिया था, जिसकी किस्त समय से नहीं भरे जाने पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले अर्चना के ससुराल पहुंच गए, जहां अर्चना के नहीं मिलने पर फाइनेंस कंपनी वाले उसके ससुर दुर्गा पासवान, जो कि अपनी बहू से अलग रहते हैं, उन पर ही दबाव बनाकर 2400 रुपए किस्त जमा करने की बात कही, और जब वो पैसे नहीं दे पाए तो फाइनेंस कंपनी वालों ने घर का ताला खुलवा कर राशन की 2 बोरियां उठा ले गए। 3 जने रहना, 1 जने वहाँ बैठे थे और यहाँ पर 2 जने आकर के राशन निकाल लिया। हम बोल क्या बताए अपने आप को, वो बोलता है जे चलो ताला खोलो और हम राशन निकाल करके ले जाएंगे। उसके पहले उन्होंने क्या बताया कि कौन लोग हैं और क्यों आए हैं? तो बताया जे तो हम समूह ही वाले हैं, पैसा नहीं रहा, हम पैसे नहीं दिए, तो इसलिए बुला करके वहाँ चौराहा पर बैठे थे। ये बताइए कि कौन आपके यहाँ से पैसा लिया था, लोन कौन लिया था आपके घर से? ओ, हमारा लोन ओ हरचना लिया था। हरचना कौन है आपकी? हमारा पतो है। अच्छा। हरचना लिए थे और हाँ, तो फिर तो क्या पैसा जमा नहीं, किस्त नहीं जमा कर पा रही थी क्या? नहीं, किस्त जमा कर पाती थी। हाँ। बाकी यही किस्त रह गया है जमा करने को। अच्छा, तो वो लोग आए तो क्या कहे? वो लोग आए तो कहे किस्त जमा करो। हाँ। और किस्त जमा करने के बाद तो नहीं पैसा रहा, लोग कहा जे तो तू है। हाँ। तू ताला खोलो और हम लोग राशन ले जाएंगे। तो हम बोला जे तो वो लोग के पास में राशन नहीं है, हम कहाँ से दे गए, ये हमारा राशन है सब हमारा। आप बताए नहीं कि हमारे लड़के बहू अलग रहते हैं? हम सब बताए हैं। फिर भी क्या, फिर क्या किए उन लोग? तो राशन उठा कर चले। वहीं इस पूरे मामले में बुजुर्ग दुर्गा पासवान ने पास के ही कोना थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसकी पुलिस अब जांच कर रही है। देवरिया जनपद में कोना थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैदा गाँव का प्रकरण है, जहाँ एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कुछ लोगों द्वारा कंपनी द्वारा दिए गए लोन के बदले में, किस्त नहीं दिए जाने के बदले में, उन लोगों द्वारा घर का अनाज लिए जाने की बात बताई गई है। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। इसमें जो संबंधित सर्किल ऑफिसर हैं उन्हें एक विस्तृत जांच का आदेश दिया गया है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल पुलिस ने मामले में जाँच कर कार्रवाई की तो बात कही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग हजारों करोड़ का घपला करके गायब हो जाते हैं, उन पर इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती। वहीं अगर गरीब की बात हो तो उसके मुंह से खाने का निवाला तक छीन लिया जाता है। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।